बीत जाएगा ये लम्हा और ये यादें फिर कभी नहीं आने वाली, ऐसा ही कुछ हमारे को देखने को मिला है सिडनास की जोड़ी से, जिसका फैंस उनका इंतज़ार करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सलमान और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मार्शल टेक में। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि बिग बॉस के घर के अंदर सिडनास जो है काफ़ी अपने फैंस क्रिएट कर चुके हैं और अपने फैंस को एक लव स्टोरी के रूप के अंदर एक अच्छा सीन क्रिएट भी कर रहे हैं, दिखा भी रहे हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर सिडनास की जोड़ी जो है एक साथ बैठे हुए होते हैं और यहाँ पर बातचीतें चल रही होती हैं। तो सिद्धार्थ शहनाज से कहते हैं कि यार अगर मैं खाना खाऊंगा तो मैं तुझे याद करूंगा, अगर मैं बेडरूम पर सोऊंगा तो मैं तुझे याद करूंगा, अगर अपने बालों में मसाज करवाऊंगा तो भी मैं तुझे याद करूंगा, मैं हर पल हर लम्हा जो है वो तुझे याद करूंगा और तू पता नहीं कहाँ होगी। तो यहाँ पर शहनाज भी कहाँ चुप रहने वाली हैं, तो शहनाज भी यही जवाब देती हैं। शहनाज यहाँ कहती हैं कि यार अगर मैं भी खाना खाऊंगी तो मैं तुझे याद करूंगी, अगर मैं किसी और को मनाऊंगी तो भी मैं तुझे ही याद करूंगी, अगर हो सकता है मेरा किसी और से दिल लग जाए, मैं किसी और से प्यार करूंगी तो भी उसके अंदर मुझे तेरी ही याद आएगी, अगर मैं नखरे किसी और को दिखाऊंगी तो उस कंडीशन में भी मैं तुझे ही याद करूंगी। तो इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा ही सैड मोमेंट सा चल रहा होता है और सिद्धार्थ की आंखों में यहाँ पर आंसू भी होते हैं और शहनाज की आंखों में भी आंसू होते हैं, दोनों एक दूसरे के आंसू पोंछ रहे होते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी लव स्टोरी का इनका सीन देखने को मिलता है और फैंस जिसका इंतज़ार करते हैं वो इनका मोमेंट है शादी। काश बिग बॉस के घर के अंदर इन दोनों की शादी हो जाती और हो जानी चाहिए, अभी कुछ कह नहीं सकते, हालांकि अभी भी यहाँ पर 3-4 दिन बाकी हैं। ये भी हो सकता है कि एंड मौके पर इन दोनों की शादी कराई जाए। तो अभी देखते हैं कि इन दोनों की लव स्टोरी के आगे क्या ऐसा हमारे को ट्विस्ट देखने को मिलता है, क्या वाकई में इनकी शादी हो पाएगी। तो आप इसका डिसाइड आप करिए और आप नीचे मुझे कॉमेंट के अंदर ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है, होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। तो मैं कमेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि अभी 3 दिन बाकी हैं, अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।